जी तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जे डॉट के स्टोर का विजिट वीडियो है आपकी स्क्रीन्स पर और इसमें मैंने इनकी सारी न्यू विंटर कलेक्शन को कवर किया है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ मैंने शेयर किया है। इस दफ़ा विंटर थोड़ा लेट है तो सब ब्रांड्स ने स्लोली अपने विंटर के वॉल्यूम लॉन्च किए हैं। सो जे डॉट की भी जो विंटर कलेक्शन है टोटल फुल वॉल्यूम इनका लॉन्च हो चुका है तो मैंने सोचा एक बार फिर आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूं और इंशाल्लाह आपके साथ मैं जे डॉट का प्रेट वेयर वीडियो भी शेयर करूंगी। जे डॉट की स्टोर्स जो मेरे करीब हैं पिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं और अगर आप मॉल की साइड पे जाते हैं आपके सिटीज़ में भी जो मॉल्स हैं कोई भी इस तरह की कोई प्लेस है तो वहाँ पर आपको हर ब्रांड के बड़े बड़े स्टोर मिलेंगे। तो ऐसे स्टोर्स पर फिर वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनती है, ठीक है। सो इनका ये फर्स्ट वॉल्यूम है विंटर का जे डॉट का, बहुत खूबसूरत स्टफ़ है। कोशिश की है यहाँ आपको प्राइसेस टैग्स दिख सकें और काफ़ी ज़्यादा ये कंसिस्टेंट सा स्टोर है क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। सो इन्होंने काफ़ी छोटी सी जगह पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी को कवर अप करने की कोशिश की हुई है। स्टोर इतना छोटा भी नहीं लेकिन फिर भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है जे डॉट की न्यू कलेक्शन में। जो नॉर्मल टू पीस सूट है आप सब जानते हैं समर हो विंटर हो जे डॉट का 2600 से 2700 का होता है, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, मीन लिलन में हो खद्दर में हो और चाहे ये समर की लॉन ही क्यों ना हो। कैंब्रिक की ये शर्ट्स हैं 1290 में, सिंगल पीस आर्टिकल है। जो टू पीस हैं 2000 से मतलब 2200 और 400 से लेकर 3000 की रेंज में हैं अगर उस पर एम्ब्रॉयडरी भी है तो। और जो इनके सिंपल थ्री पीस सूट हैं वो आपको 2890 से 2790 में मिलेंगे जे डॉट के। और अच्छा जैसे मैंने आपको बताया रैंडमली इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल सब के सब डिस्प्ले में किए हुए हैं अवेलेबल और इन्हीं में 40 और 50 फ्लैट ऑफ के आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं आपके सामने स्क्रीन पर है विद देयर प्राइसेस भी आपको नज़र आ रही होंगी। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मौका है अभी भी जो जे डॉट लवर्स हैं कि वो अभी भी इनकी फ्लैट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रिंट वेयर का भी है बहुत ज़्यादा सेक्शन, जैसे अभी आपको मैंने शेयर किया कि अभी आपको मैं अनस्टिच का इसका सेक्शन शेयर करी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारे का सारा डिटेल वीडियो होगा इंशाल्लाह इनके प्रिंट का। और इस बार इस विंटर में जे डॉट ने बहुत ही खूबसूरत चंद आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये वेलवेट शॉल वाले और जनाब ये 6500 से 7000 की रेंज में हैं क्योंकि इनकी जो शर्ट है वो है विंटर कॉटन भी और खदर भी और इसकी प्राइस आपको मैंने साथ में बता दी है। खूबसूरत स्टफ़ है, स्लिपरी दुपट्टे हैं, फैंसी दुपट्टे हैं, अट्रैक्टिव हैं, बहुत खूबसूरत हैं। सो अगर आप लोगों को कोई गैदरिंग अटेंड करनी है, कोई फंक्शन अटेंड करना है इस विंटर तो आप ये चॉइस कर सकते हैं फैंसी ड्रेसिंग में। अनस्टिच जो जे डॉट की कलेक्शन आई है, खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके डिज़ाइंस हैं। बेसिकली मुझे तो बहुत पसंद है, जे डॉट मेरा फेवरेट ब्रांड है और जो आपकी चॉइस है, जो आपकी कलेक्शन है, फेवरेट ब्रांड है, आप ज़रूर पर जाइए शॉपिंग कीजिए। और अच्छा जी, विंटर कॉटन और साथ में विंटर कैम्ब्रिक जो है, इनकी कैम्ब्रिक में मोस्टली इसकी सिंगल पीस शर्ट्स आती हैं जे डॉट की, और जब इन पर सेल लगती है तो जो इनकी 1100 और 1200 की शर्ट होती है सिंपल विदाउट एम्ब्रॉयडरी तो वो आपको 900 और 800 में मिल जाती है, और अगर सेल नहीं है रेगुलर प्राइसेस हैं तो वो 1200 से 1300 ही में मिलेगी। अब ये थ्री पीस सूट्स हैं और जैसा अभी आपको मैंने बताया कि इनके बहुत ही कोई 4 या 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन पर वेलवेट शॉल है। सो उसी के साथ इन्होंने ये दूसरा जैकेट के दुपट्टा सूट भी लगाए हुए थे टू पीस में, ये भी विंटर स्टफ़ है, इसके साथ लिलन शर्ट है। लिलन की कवरेज बहुत अच्छी है जे डॉट की, जितना ये वॉश होता है उतना इसकी सरफेस अच्छी होती जाती है जो इसकी फैब्रिक की बेस होती है। अक्सर लिलन और मरीना ऐसा फैब्रिक है विंटर के हैं तो ये अक्सर श्रिंक हो जाते हैं। सो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर नायलॉन मिक्स फैब्रिक ना हो तो श्रिंक ज़रूर होता है, ठीक है, और अगर थोड़ा सा नायलॉन मिक्स हो, सिल्की टच हो तो वो श्रिंक नहीं होता। जे डॉट की मुझे ये बात बहुत बेस्ट लगती है, मुझे फेवरेट है कि इसका कपड़ा एक तो ज़्यादा श्रिंक नहीं होता विदाउट नायलॉन, और जो अगर श्रिंक होता भी है तो इतना ज़्यादा बिल्कुल फील नहीं होता। और दूसरी बात ये कलर तो इनके बहुत ही स्टे करते हैं,
बहुत अच्छी कलर कॉम्बिनेशन है। और जो इनकी लिनन और मरीना, अगर आ जाए मरीना तो इस बार किसी भी ब्रांड पर नहीं मुझे दिखाई दिया बिल्कुल। बस निशात पर भी इन्होंने शॉल्स की शक्ल में आया है, और वर्दा पे मैंने आपके साथ जो वीडियो में शेयर किया था सिर्फ कुर्ते में है। तो जो ये दोनों फैब्रिक होते हैं मरीना और लेलन, तो ये अगर बहुत ही थिन हो, पतला हो, तो वो वॉश करने के बाद बिल्कुल और भी ज़्यादा कमज़ोर सा हो जाता है। लेकिन जे डॉट की जो ये फैब्रिक की बात है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जितना इसको वॉश करते हैं उतना ही इसकी जो बेस सरफेस है वो मोटी होती जाती है। मतलब ये एक अच्छे गुड क्लास फैब्रिक की निशानी है। ये तो हो गई एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर की अपनी तरफ से। और ये भी इसके सिंगल टू पीस सूट की कलेक्शन है विंटर की। साथ में प्राइसेस आप देखें, आपको जैसे मैं बता रही हूँ जगह बहुत ही छोटी सी है जहाँ पर इन्होंने करीब करीब डिस्प्ले किए हुए हैं आर्टिकल्स। सो यहाँ पर वीडियो बनाने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो फिर भी शूट किया है प्राइसेस के साथ इनको आपके लिए शेयर करने में। और इसी में जॉर्जेट दुपट्टा इनके विंटर सूट भी ऐड हैं, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको पसंद है। विंटर्स में भी जॉर्जेट दुपट्टा जो लोग पसंद करते हैं पहनना, तो वो बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। बहुत सारे लोग क्रिंकल शिफॉन दुपट्टा को पसंद करते हैं, मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल नहीं होता, स्टे नहीं करता, बहुत कम कोई ऐसा बेस इसका अच्छा हो जो कंफर्टेबल हो और लुक्स में भी अच्छा हो, प्रीटी सा हो, तो फिर मैं चॉइस करती हूँ। अदरवाइज़ आजकल ट्रेंड है, फैशन है, आप लोग बड़ा ईजीली बाई कर सकते हैं। जे डॉट लवर भी बहुत ज़्यादा हैं खाड़ी की तरह, और मेरे सिटी के साथ अगर आपकी सिटी में भी जो मेगा मॉल्स हैं वहाँ पर ज़रूर देखिए। जे डॉट की फ्लैट 40% और 50% ऑफ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ज़रूर जाइए इसको अवेल कीजिए। आपको हर किस्म का स्टफ़ अवेलेबल है, लास्ट विंटर का भी और समर का भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, वैरायटी बहुत है। आपको ट्राउजर्स, शलवार्स, हर किस्म का आर्टिकल मिल जाएगा। जैसा अभी आपको बताया, ये स्टोर बहुत कंजेस्टेड सा है और बहुत ज़्यादा वैरायटी होने की वजह से इन्होंने साथ साथ और छोटा छोटा करके इस तरह से डिस्प्ले लगाया हुआ था। सो मुझे बड़ी मुश्किल भी हुई, लेकिन मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर वीडियो में बहुत सारी इस तरह की मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें होती हैं वो भी शेयर करती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि फिर आप लोगों में से कोई ये कमेंट ना करे कि आपने वीडियो देर से अपलोड की या हमें वीडियो नहीं मिली, हमारे पास स्टॉक पर ये अवेलेबल नहीं, वो अवेलेबल नहीं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट पॉइंट देखा करें और आप लोग ऑन टाइम वीडियो को वॉच किया करें ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।